हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातीज रसोई। आज मैं दो तरह की पुडिंग बनाने जा रही हूँ, चॉकलेट पुडिंग और बनाना पुडिंग। यह देखने में जितना अच्छा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर कहिएगा। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में इसे शेयर कीजिए। पुडिंग बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा लीटर दूध, थोड़े से चॉकलेट केक, 1 बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा, 1 बड़ा चम्मच शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए 1/4 कप चीनी में 2 चम्मच पानी देकर मैंने इसे तैयार किया है। 1 केला, 1 बड़ा चम्मच व्हाइट चॉकलेट जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है, ब्राउन चॉकलेट और रोज एसेंस। यहाँ मैं रोज एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक भिगोना में आधा लीटर दूध उबालेंगे। जब तक दूध उबल रहा है, हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर में 4 से 5 चम्मच दूध डालकर हम इसे घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है, यह देखिए, इसमें एक भी गांठ नहीं है। दूध उबल गया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। चीनी मिल गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। और इसे चलाते हुए पकाएंगे, जिससे इसमें गांठ न पड़े। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है, देख लीजिए। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें रोज एसेंस मिलाएंगे, यह मैं आधा चम्मच मिला रही हूँ, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है, यह देखिए। सबसे पहले चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। इसके लिए इसमें हम चॉकलेट केक डालेंगे। चॉकलेट केक को थोड़ा प्रेस करके दबा के इसमें डालना है। उसके बाद 1 चम्मच शुगर सिरप, जिससे कि केक सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे। और इसे अच्छे से टैप कर देंगे। अब थोड़ा सा केक ऊपर से फिर से डालेंगे। शुगर सिरप, चॉकलेट, फिर कस्टर्ड, ऊपर से फिर से चॉकलेट सॉस डालेंगे। यह देखिए, हमारा चॉकलेट पुडिंग तैयार है। अब दूसरा गिलास लेंगे,
इसमें बनाना पुडिंग बनाएंगे। सबसे पहले 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे। रूह अफ़ज़ा को इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे, चारों साइड फैला लेंगे इसे। यह देखिए, अब इसमें कस्टर्ड डालेंगे। अब बनाना के स्लाइसेस, बनाना स्लाइस डालने के बाद दोबारा कस्टर्ड डालेंगे। और इसे टैप कर लेंगे। इसमें फिर से ऊपर से डालेंगे बनाना, ऊपर से कस्टर्ड डालेंगे। इसे अच्छे से टैप। अब इसके ऊपर सफेद चॉकलेट डालेंगे, जिसको मैंने पहले ही पिघला लिया था। इसे भी टैप कर लेंगे। अब इसके ऊपर 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा और डालेंगे। यह देखिए, बनाना पुडिंग भी तैयार हो गया है। हमारे दोनों पुडिंग तैयार हैं। देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। खाने में ये और भी अच्छे लगते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।